लड़ाई ना हिंदू की है, ना सिख की है, ना मुसलमान की है, ना ईसाई की है, लड़ाई तो मानवता की है। आज बंदूकों के साए में टैंकर अपनी बात को कहेंगे, हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हमने आईएसआई के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हमने अपने शरीर के हिस्सों को गवाया किस लिए? को हमारी जाति दुश्मनी के आपसे, मानवता के लिए। हमारे साथ एआईटीएफ के अध्यक्ष एमएस बिट्टा साहब जुड़ गए हैं। बिट्टा साहब, जरा इनको बताइए क्या अफगानी पायलट। देखो ये अफगानी, देखो ये मैं तस्वीर भेजता हूँ तारिक जी के बारे में जो बातें कह रहे हैं। हाँ। उनको एक अनुभव है, जो आदमी बीच में होता है अनबन रह के सारी तस्वीर को बताता है। खैर, हम जो अंजना जी आपने डिस्कशन शुरू की, हम उस तरफ जाए, हम दूसरी तरफ ना जाए। बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे विस्तारपूर्वक तरीके से सारी तस्वीरों को दिखाया। पिछली बार भी डिबेट में कुछ लोग थे, जब सरेआम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मानवता का कत्लेआम, बच्चों की तस्वीरों को अगर दुनिया में कोई देखता होगा, एक छोटे बच्चे की तस्वीर, और किस तरीके से माएं अपने बच्चों को अमेरिकी सेना के पास छोड़ के जा रही है, मुझे बताइए मानवता कहां गई? मानवता मर गई। कितना भी कोई एक किसी का दुश्मन हो, मैं चर्चा फिर वही पुरानी करूंगा याकूब साहब से, मैं फिर कहूं याकूब साहब, जब पाकिस्तान के अंदर सैनिक स्कूल के अंदर बच्चों की कत्लेआम हुआ था तो हम रोए थे, अंजना जी भी रोए होंगे, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति रोया होगा, दुनिया में रोया होगा। हमारी मानवता कहां चली गई? लड़ाई ना हिंदू की है, ना सिख की है, ना मुसलमान की है, ना ईसाई की है, लड़ाई तो मानवता की है। आज बंदूकों के साए में एंकर अपनी बात को कहेंगे, और जो महिला एंकर है वो देश छोड़ के चले जाएंगे। भगवान देख रहा, अल्लाह देख रहा है हम सबको, हम भी है ना हिंदुस्तान के अंदर, हमने कभी किसी को मारा नहीं, हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हमने आईएसआई के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हमने अपने शरीर के हिस्सों को गवाया किस लिए? को हमारी जाति दुश्मनी के आपसे, मानवता के लिए। जब पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम आईएसआई करा रही थी, खालिस्तानियों को हथियार दिए जाते थे जैसे तालिबानी हथियार ऐसे पंजाब में दिए जाते थे, किसी माँ को यह नहीं पता होता था मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पति घर से निकला है, शाम को आएगा या नहीं आएगा, और आईएसआई के हथियारों से, ट्रेनों से बच्चों के निकाल करके सिख भाइयों को छोड़ दिया जाता था, हिंदू भाइयों को गोलियों का निशाना बना के 70-70-80। मुझे एक चीज बताइए, हमने मानवता की लड़ाई लड़ी, मेरी तस्वीरों को देख के आंखों में आंसू है, हमने आज नहीं तो कल इस दुनिया से जाना है। हमारे एक प्रवचनकारी कहते पाप ना कर बंदे, हम आदमी एक दम के पल की खबर नहीं, मैंने मौत को बार बार देखा है, बार बार देखा है, और मौत को मैं अपनी दोस्त समझता हूँ। आज नहीं तो कल जाना है, मैं भी को आज सेंटर का मंत्री होता मैं कह नहीं आज नहीं तो कल जाना है, किस लिए लड़ता हूँ? वो आतंकवाद के खिलाफ नहीं लड़ता, मानवता के लिए लड़ता हूँ। कहा यकूब साहब भाई आपकी मानवता? नरेंद्र मोदी जी का सवाल अभी तक पाकिस्तान से नहीं मिला, क्यों गए थे पाकिस्तान आपके पास, नवाज शरीफ के पास, हिंदुस्तान के हमारे जैसे लोगों को नाराज करके? हम अमन शांति चाहते हैं, हम मानवता को बचाना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में अपनी बहनें अपने भाई सड़कों में जाते हुए जिसका गंदी राजनीति से कोई संबंध नहीं, वो भी किसी का सुहाग ना उजड़े, हिंदुस्तान भी ना उजड़े, आओ हम शांति का पैगाम लेके आए। मोदी के ऊपर उम्मीद कर सकते हैं? दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, उन्होंने कर दिखाया। महात्मा गांधी की सोच पे चले, क्या किया आपने दीनानगर की पठानकोट की घटना पे आके अपनी असलियत दिखा दी आईएसआई ने? पहले ये बताना पड़ेगा आईएसआई बड़ी है या सरकार बड़ी है, ये बताना।